Good morning, my dear students. Welcome back to my science class. Yesterday, I had a topic that is food and digestion. Last day, I taught you about food. Hope you understand the concept easily. Now, we are going to discuss about digestion, and the title is Digestion. Digestion in Food. द फूड दैट वी ईट इज नॉट डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड एनर्जी जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो कभी भी हमें सीधे तौर पर ताकत प्रदान नहीं करता इट इज ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर फॉर्म पहले हमें भोजन के भोजन को सरल रूप में बदलना होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन टू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन भोजन को सरल रूप में बदलने की प्रक्रिया को सरल रूप में बनाने की प्रक्रिया को डाइजेशन कहा जाता है पाचन शक्ति पाचन शक्ति सभी जीविक जैविकीय सभी जीवों के पास एक पाचन तंत्र होता है पाचन तंत्र मतलब जो खाना हम अपने मुंह से ग्रहण करते हैं वो हमारे पेट में जाता है और वही पेट में हमारे पाचन तंत्र होता है जो हमारे खाने को पचाता है और अपच खाने को निकाल देता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देर आर फाइव टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देर आर फाइव टाइप्स ऑफ डाइजेशन प्रोसेस नंबर वन इंजेक्शन टेकिंग इन फूड भोजन ग्रहण करना भोजन लेना नंबर टू डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में या सरल रूप में सरल रूप में तैयार करना तैयार करना मीन्स हमारे मुंह के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब इन टू बॉडी सेल जो भोजन हम डाइजेस्ट करते हैं हमारे पाचन तंत्र द्वारा जो भोजन डाइजेस्ट किया जाता है उसे हमारे शरीर में उपलब्ध रक्त द्वारा एबजॉर्ब किया जाता है हमारे शरीर में उपलब्ध ब्लड द्वारा सूखा जाता है या एबजॉर्ब किया जाता है नंबर फोर इज एसिमुलेशन उसके द्वारा वो हमें ताकत प्रदान करता है यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है लास्ट वन इज इजेशन रिमूवल ऑफ undigested फूड जो भोजन अपच होता है जो भोजन हमारी पाचन तंत्र द्वारा नहीं पचाया जाता है वो अपच खाना कहलाता है जो एनएस के द्वारा बाहर निकल, निकाल दिया जाता है स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू हेयर आई एम गिविंग यू टिप्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन यहां मैं आपको प्रॉपर डाइजेशन के, के लिए कुछ जरूरी टिप्स बताने जा रही हूं ध्यान से सुनिए फूड एट फिक्स टाइम भोजन खाने के तीन समय फिक्स है जो सभी जानते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आफ्टरनून में लंच एंड लास्ट वन इज एट दाइट टाइम ऑफ डिनर तो हमेशा तीनों समय हम सभी को खाना समय पर लेना चाहिए तीनों समय पर हमें खाना समय से लेना चाहिए च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वेलिंग हमेशा खाने को चबा चबा कर निकलना चाहिए च्यू योर फूड वेल अच्छी तरह चबाओ बिफोर स्वेलोइंग निकलने से पहले क्यों इसका कारण मैंने अभी आपको पीछे बताया था ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन टू स्मॉल हमेशा भोजन को सरल रूप में बदलना चाहिए उसके बाद ही उसे निकलना चाहिए ईट लॉर्ट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार ताजी सब्जियां खानी चाहिए फल खानी चाहिए डू नॉट ओवर रीट ओवर ईट सॉरी जरूरत से ज्यादा खाना नहीं लेना चाहिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर पानी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए सभी को हमारे शरीर को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए साफ सुथरा पानी उबाल के पानी सबको पीना चाहिए ताकि हमारा शरीर रोग मुक्त रह सके होप यू अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट माई डियर स्टूडेंट्स द टर्न नाउ वी आर गोइंग टू